नमस्कार, एस क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है मैंने अपना टेस्ट जिसका नंबर है SKPO4ARKN। चलिए शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है इसका सिनोनियम या फिर एंटोनियम। तो अपना वर्ड है बीवेल। बीवेल, बीवेल का मतलब होता है कि एक्सट्रीम सैडनेस, एक्सट्रीम एक्सट्रीम सैडनेस या फिर एक्सप्रेस सैडनेस, कि अपनी सैडनेस दिखाना या फिर रिग्रेट दिखाना, पछतावा दिखाना, उसको कहते हैं बिवेल। ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्रेस करना उसको कहते हैं बिवेल। तो ऑप्शंस हैं अपने मौन और रिजोइस। मौन का मतलब होता है कोई दुख विलाप करना और रिजोइस का मतलब होता है खुशी मनाना। तो ये इसका सिनोनियम हो सकता है और ये इसका एंटोनियम हो सकता है। अपना एक्सेप्शनल बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही मतलब बहुत अच्छा के सेंस में आता है ये एक्सेप्शनल। और सिंसियर, जो बंदा सिंसियर होता है, जो अपना काम ढंग से करता है। एकॉर्ड और एनिमिटी। एकॉर्ड का मतलब होता है कि क्या, एग्रीमेंट की सेंस में लगा सकते हो इसको आप। और एनिमिटी होता है दुश्मनी। और डिस्कॉर्ड होता है कि अकॉर्ड का ही एंटोनियम है डिस्कॉर्ड, कि सहमति ना होना। और प्रिटेंड होता है कोई चीज़ दिखावा करना। तो चार ऑप्शंस के अंदर अपना ऑप्शन ए बिल्कुल सही जाएगा। अगला देखते हैं, ये स्मैटरिंग। स्मैटरिंग का मतलब होता है कोई स्मॉल नंबर, एक छोटा नंबर, ए स्मॉल नंबर। ऑप्शंस देखते हैं, इनअप्रोप्रिएट जो सही ना हो, और अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। कपल होता है, मतलब एक कपल होता है जिसके अंदर जोड़ा होता है, उसको कहते हैं कपल। और फ्यू होता है बहुत कम की सेंस में। आर्डवस होता है जो डिमांड करे एक्स्ट्रा एफर्ट्स को। ठीक है, जो डिमांड करे, डिमांडिंग एफर्ट्स, डिमांडिंग एफर्ट्स, जो एफर्ट्स को डिमांड करे उसको कहते हैं आर्डुअस। और इजी, जो आसान काम होते हैं, मतलब आर्डुअस होता है जो मुश्किल काम होता है जिसके अंदर ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं किसी के, तो उसको कहते हैं आर्डुअस। और सबमिशन का मतलब होता है कि एक्सेप्ट, कोई चीज़ मान लेना, कोई चीज़ मान लेना। ठीक है, या फिर कोई कंसेंट देना, उसको कहते हैं सबमिशन। और रिजेक्ट होता है कोई चीज़ कैंसिल कर देना। तो स्मैटरिंग का मतलब होता है स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर से रिलेटेड केवल ऑप्शन अपना बी ही गया है। ठीक है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन बी। यह है सोर्डिड। सोर्डिड का मतलब होता है डर्टी और अनक्लीन, डर्टी और अनक्लीन। तो इसमें ऑप्शंस है अपने कंफ्यूजिंग और कैओश। कैओश और कंफ्यूजिंग ही आपस में सिनोनियम है। ठीक है, और पीस और काम भी आपस में सिनोनियम है। अनसलिड और फिल्दी। अनसलिड का मतलब होता है कि स्पॉट फ्री, जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो, उसको कहते हैं स्पॉट फ्री, उसको कहते हैं अनसलिड। और फिल्दी होता है जो गंदा होता है, यानी डर्टी। तो अनसलिड होगा इसका एंटोनियम और फिल्दी होगा इसका सिनोनियम। तो ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही होगा। और मिस्चीवियस का मतलब होता है जो दुष्ट होता है, जो शरारते ज़्यादा करता है, उसको कहते हैं मिस्चीवियस। और इमेजिनरी होता है काल्पनिक। तो ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही है। ये अपना ईडियम फ्रेज का। ईडियम फ्रेज में हमें बताना है कि देयर वॉज ए ग्रेट अप्रोर। अप्रोर होता है शोर शराबा। हाँ, इसके सिनोनियम है टुमुल्ट, पैंडेमोनियम, टुमुल्ट पैंडेमोनियम। और हबब भी होता है इसका सिनोनियम। तो अप्रोर के सिनोनियम से अपने देयर वॉज ए ग्रेट अप्रोर ओवर प्लेन्स। प्लेन्स के ऊपर वहाँ पर शोर शराबा था। टू पुल डाउन द ओल्ड लाइब्रेरी, मतलब ओल्ड लाइब्रेरी थी उसको कुछ कर रहे थे वो। तो पुल डाउन का मतलब होता है किसी को खराब कर देना, किसी को नीचे गिरा देना, मतलब कि ढहा देना, मतलब कि ओल्ड बिल्डिंग को वो गिरा रहे थे। गिराना की सेंस में भी होता है गिरा देना। तो ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस में जाता है अपना ऑप्शन बी कि डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय। डेलिबरेटरी का मतलब होता है कि कोई चीज़ जानबूझकर करना, जानबूझकर करना, उसको कहते हैं डेलिबरेट। तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, टू नीड टू गो थ्रू द कंपनी इन्वेंट्री, मतलब कंपनी जो इन्वेंट्री होती है उसके अंदर से जाते हैं। एंड चेक ऑफ, गो थ्रू का होता है एग्जामिन करना कोई चीज़। एंड चेक ऑफ डैट एवरीथिंग इज देयर, मतलब चेक ऑफ का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, कि जैसे हम शॉपिंग लिस्ट करते हैं कि हमें कोई काम करना है, जैसे होमवर्क करना है या फिर ब्रिंग कॉपी। तो कई बार हम लगा देते हैं कि अपना होमवर्क हो गया तो हम टिक कर देते हैं। हमें कोई चीज़ लाना है, ब्रिंग कुछ करना है, तो हम टिक कर देते हैं जो काम हो जाता है। तो चेक ऑफ का मतलब वही होता है, टू मार्क विद द टिक, कि ये काम हमारा हो गया है
तो हम इसको टिक कर देते हैं, यानी हम इसको चेक ऑफ कर देते हैं, तो अपना ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए टू मार्क विद द टिक, टिक के साथ उसको मार्क कर देना। तो चलिए अगला देखते हैं, ये अपना एरर का, इसमें क्या कह रहा है, सेंसिबल शूज़ एंड रेन प्रूफ क्लोथिंग आर रिकमेंडेड बट वी वर वेरी लकियर इनफ टू हैव ऑल फाइन वेदर। तो यहाँ पे देखिए वेरी लकियर, वेरी लकियर और इनफ, तो वेरी लकियर कुछ नहीं है, ये कोई कंपेरिजन नहीं है अपना, कोई कहीं पर भी कंपेरिजन नहीं है, तो ये कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ हमें गलत है, तो इसकी जगह केवल यूज होगा लकी इनफ, लकी इनफ, वेरी भी अपना कट जाएगा, तो ऑप्शन सी के अंदर अपना एरर होगा, क्योंकि ये कोई कंपेरेटिव डिग्री नहीं है, कोई हमें कंपेरिजन नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, डू नॉट इंक्लूड योर टेलीफोन नंबर और होम एड्रेस एज पार्ट ऑफ योर साइन ऑन ईमेल्स, कि मतलब कि अपना टेलीफोन नंबर या फिर होम एड्रेस, अपने साइंस मतलब या फिर अपना सिग्नेचर है जो भी, वो ईमेल्स के ऊपर मत इंक्लूड करें। तो यहाँ पर जो साइन है, जो साइन है वो एक वर्ब होता है, जो साइन है वो एक वर्ब होता है, और एक वर्ड होता है सिग्नेचर, सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब ही होता है अपना नाउन, तो हम वैसे ही बोलते थे अपने साइन कर दो, ठीक है, तो अपने सिग्नेचर करने होते हैं वहाँ पर, ना कि साइन करने होते हैं, तो अपना ऑप्शन डी के अंदर एरर है, क्योंकि साइन एक वर्ब है और सिग्नेचर अपना एक नाउन है। ठीक है, इसलिए अगला देखते हैं, द वर्स्ट ह्यूमिलिएशन ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी रिलीजियस लाइफ इज द एब्जेक्टनेस ऑफ नीडिंग गॉड एंड ए कम्युनिटी क्वाइट बैडली इनफ इवन टू सिट थ्रू दिस। ठीक है, तो क्वाइट, क्वाइट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अपने दो वर्ड होते हैं क्या यू आई टी ई और एक वर्ड होता है क्या यू आई ई टी, तो क्या यू आई ई टी का मतलब होता है, ये होता है चुपचाप, चुप होना यानी साइलेंट होना, और क्वाइट का मतलब होता है स्लाइटली, स्लाइटली, ठीक है, तो ये स्लाइटली होता है अपना, और जो ये क्वाइट होता है ये होता है अपना एडजेक्टिव, और क्वाइट जो ये दूसरा होता है ये होता है अपना एडवर्ब, ये होता है अपना एडवर्ब, तो हमें यहाँ पर बैडली के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें एडवर्ब चाहिए, ना कि हमें चाहिए यहाँ पे कोई एडजेक्टिव, और इसका मतलब भी होता है कोई चुप होता है, लेकिन क्वाइट होता है कोई चीज़ स्लाइटली चाहिए हमें, तो स्लाइटली, बैडली, इनफ, तो यहाँ पे क्वाइट दूसरा यूज़ होगा, यानी ये वाला क्वाइट अपना यूज़ होगा, तो इसके अंदर एरर होगा अपना ऑप्शन सी के अंदर। अगला देखते हैं, एरिस्टोटल सर्टेनली मेड रिसर्च ऑन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लेस्बोस एंड द सराउंडिंग सीज एंड नेबरिंग एरियाज, मतलब कि एरिस्टोटल ने ऐसे रिसर्च की थी कुछ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लेस्बोस और उसके सराउंडिंग सीज, समुद्रों पे और उसके एरियाज पे, तो यहाँ पर देखिए क्या है, कोई भी बंदा रिसर्च करता है ना कि कोई चीज़ बनाता है, यहाँ पे देखिए उन्होंने किया मेड रिसर्च, रिसर्च बनाते नहीं है, रिसर्च करते हैं, तो मेड की जगह आएगा डिड रिसर्च, कि उसने रिसर्च किया, तो ना मेड रिसर्च नहीं होगा, मेड के बजाय अपना होगा डिड रिसर्च, तो एरर होगा अपना ऑप्शन ए के अंदर, क्योंकि रिसर्च करते हैं ना कि रिसर्च को बनाते हैं। अगला देखते हैं, फॉर सम द कॉन्फिडेंट ऑफ एडोलिसेंस इज रिप्लेस्ड विद क्वेश्चंस, क्वेश्चन के साथ रिप्लेस कर देते हैं, एंड डाउट, और डाउट के साथ, मार्किंग द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन तो कोई चीज़ बदलना, टू अडल्टहुड, अडल्टहुड के अंदर, तो यहाँ पे देखिए द के बाद हमें पता है कि एक कहीं ना कहीं नाउन आने वाला है, द एक आर्टिकल है तो द के बाद एक नाउन आएगा, तो नाउन क्या होता है, कॉन्फिडेंट जो अपना गिवन है वो एक होता है एडजेक्टिव, जो कॉन्फिडेंट होता है वो एक एडजेक्टिव, जैसे कॉन्फिडेंट बॉय, तो बॉय को क्वालिफाई कर रहा है तो वो होता है कॉन्फिडेंट बॉय, यानी कि वो कॉन्फिडेंट यहाँ पर एडजेक्टिव काम कर रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अपना एक नाउन होता है, तो हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आएगा कॉन्फिडेंट, तो इसके अंदर एरर होगा अपना ऑप्शन ए के अंदर ही। चलिए अगला देखते हैं, ये है एरर का ही, इसके अंदर है इट टुक हर ए लॉन्ग टाइम टू गेट गेट ऑफ
द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, तो यहाँ पे गेट ऑफ नहीं होगा, गेट ऑफ नहीं होगा, यहाँ पर होगा गेट ओवर। गेट ओवर जो अपनी फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब होता है किसी चीज़ से निकल जाना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को पीछे छोड़ जाना, मतलब गेट ओवर उससे निकल के अपने आगे की ज़िंदगी को शुरुआत करना, ठीक है। तो इसके अंदर अपना जो सेंस देगा वो गेट ओवर ही देगा, तो अपना जो एरर होगा वो होगा ऑप्शन बी के अंदर। इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर, तो इट इज़ बेटर टू बी साइलेंट आएगा, बेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देन है जो एक कंपेरेटिव डिग्री का के लिए यूज़ होता है, लेकिन बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम यहाँ पर बेटर को यूज़ करेंगे क्योंकि बेटर एक कंपेरेटिव डिग्री होती है अपनी, तो इट इज़ बेटर आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एरर होगा ऑप्शन ए के अंदर। यह है हिज फादर इज़ डिस्कस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक, मतलब कि उसके फादर उससे डिस्कस्टेड हैं, उससे घृणित हैं उसकी दारू पीने की लत से। तो यहाँ पर जो वर्ड है डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड विद समवन होता है अपना, तो डिस्गस्टेड है वो जो प्रेपोजिशन लेता है वो विद लेता है, ना कि अगेंस्ट लेता है, अगर कोई बंदा अगर पीछे हो तो डिस्गस्टेड विद समवन, तो यहाँ पर अगेंस्ट के बजाय आएगा अपना विद, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट ए कम्फर्ट टू सी डैट यू हैव ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग, तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा एरर इन्होंने दे दिया अपने आप ही, तो हैव के बाद कहीं ना कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी थी, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड दोनों ही आएंगे, दोनों चेंज हो जाएंगे, ना कि ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग। अगला देखते हैं, प्लीज़ नोट डैट यू विल बी एलिजिबल फॉर द वाउचर ओनली इफ़ यू हैड रिसीव्ड दिस ईमेल, तो जो ये अपना सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट, वो बनाएगा अपना कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट, तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट के अंदर यहाँ पर हैड यूज़ नहीं होता, हैड रिसीव्ड, तो यहाँ पर सिंपल आएगा प्लीज़ नोट डैट यू विल बी एलिजिबल फॉर द वाउचर ओनली इफ़, मतलब इफ़ के बाद क्या था, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ई एस आता है, और आगे आता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल, तो ये अपना होता है कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट, तो यहाँ पे हैड रिसीव्ड के बजाय अपना आएगा रिसीव, यू के अकॉर्डिंग रिसीव आएगा ना कि रिसीव्स आएगा, तो रिसीव अपना बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, तो एरर होगा अपना ऑप्शन सी के अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस।